Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page, and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures, and much more. Tera ishq hai अगर आप अपनी जॉब ठीक से नहीं कर सकते then I don't think you deserve this post. मैम, मेरा मतलब ये था। मैंने तुम्हें समीर से मंगने की इजाजत दी थी, इस तरह से कमरे में घुसने की तो नहीं। क्या हो गया तुम्हें? सर जी, ये गौहर हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ गौहर? यार नायला, मैंने तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई किया था। ये तो क्या फर्क पड़ता है, जॉब तो जॉब होती है ना, ऑफिस पे हो या घर में। कहती तो सही हो तुम कि क्या फर्क पड़ेगा। मैं बस ये सोच रही हूँ कि जब घर वालों को पता लगेगा वो कैसा रिएक्ट करेंगे इस बात पे। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत क्या है? देखो, कुछ 2 महीने की तो बात है, उसके बाद हो सकता है इन लोगों को कोई नई गवर्नेंस मिल जाए और तुम्हारी यही जॉब ये लोग ऑफिस में फिक्स कर दे। बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या कहती हो कि हाँ कर दूँ? सीरियसली, तुम फैसला लेने से पहले इतना कब से सोचने लगी हो? आप तो मैडम उन लोगों में से नहीं आती जिन्हें डूबते वक्त ख्याल आता है कि उन्हें तैरना नहीं आता पर वो कूद चुकी होती हैं पानी में। नहीं यार ना, ऐसा लगता है जैसे सोचने समझने की सलाहियत खत्म होती जा रही है मुझ पर। या शायद मैं अब अपने आप को उस मकाम पे खड़ा पाती हूँ जहाँ राही खाली सड़क के आगे घंटों खड़ा सोचता रहे कि उसको सड़क पार करनी चाहिए भी कि नहीं। भाई काशिफ मियाँ, मैडम ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है और वो पिछले महीने की जो परचेज फाइल है ना वो भी साथ लेके जाना है। ओके, फाइन, थैंक यू। सर जी, गौहर ने ज्वाइन कर लिया। ओके, गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है। आप एक काम करें, उन्हें घर भिजवा दें तनवीर साहब के साथ और सब कुछ समझा दीजिएगा, एंड स्पेशली मामा का स्केड्यूल। ओके सर, थैंक यू। रोज ऑफिस आने से पहले आप मेरे घर चक्कर लगा लिया करें, जस्ट इन केस देयर सम वर्क। इस शहर में 3 प्रॉपर्टीज हैं मेरी, 2 फार्म हाउसेज हैं, 1 पेंट हाउस है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी, सारी मेंटेनेंस आप देखेंगे। और याद रहे कि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है काशिफ। इस बात का अंदाजा हो गया मुझे। गुड, मैं आज ही सारी प्रॉपर्टीज विजिट करके आपको शाम तक रिपोर्ट सबमिट करवा देता हूँ। हाँ, जिस चीज की भी जरूरत होगी वो सब देख लेता हूँ। आप खुद से कुछ नहीं देखेंगे। अगर मेरी प्रॉपर्टी में आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो यू विल फर्स्ट कम टू मी फॉर अप्रूवल। इफ आई से यस ओनली देन यू कैन प्रोसीड। डू यू गेट दैट? जी, आपसे पूछ लूंगा पहले।
One more thing. Ji. इससे पहले कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आपको दूं, आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग क्लियर. मुझे व्हील चेयर पर देखकर इस बात का हरगिज़ गलत अंदाजा मत लगाइएगा कि मैं एक कमजोर दिमाग की लड़की हूँ और मुझे दुनिया की समझ पूछ नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है. आप सबसे ज्यादा दुनिया को परख सकती हूँ और आप सबसे ज्यादा अच्छे बुरे की पहचान है मुझे. अगर मैंने आपको कभी भी मुझे चीट करते या किसी भी किस्म की बेईमानी करते हुए देखा इस कंपनी के साथ, मेरे साथ, यू विल नॉट बी फॉरगिवन फॉर इट एंड यू विल गेट फायर्ड राइट अवे. आई मीन इट. आई डू नॉट बिलीव इन सेकंड चांसेस. आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस याद रखूंगा मैम. अब जाऊं मैम? Please. Thank you. देख लेंगे, फिर उससे बात कर लेंगे, उसमें क्या है. लोग ऐसे यहां क्यों खड़े थे? हम सबको मालूम है कि आपके साथ अंदर क्या सुलूक हुआ है. ये तो यहाँ का मामूल है. आज तक कोई मैनेजर यहाँ टिका नहीं. आप रिजाइन कब कर रहे हैं? पहले वाले तो दो दिन में ही भाग गए थे. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. मेरे लिए बाहर की जिंदगी यहाँ से कहीं ज्यादा सख्त है. यहाँ काम करने आया हूँ. अपने अंदर के इंसान को मार कर आया हूं यहां. मरे हुए इंसान को भी तकलीफ नहीं होती. अल्लाह तुम्हारा भला करे. मुझे लगता है कि अभी ये कुछ दिन और यहां रहेगा. बैक टू वर्क एवरीवन. तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूं तू नहीं करीब. हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है जहे नसीब, मेरा हिज्र है जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब. मुझे जोग दे, मुझे रोग दे, मुझे जोग दे, मुझे रोग दे, ये खुशी पकड़ मुझे सोग दे. मुर्शद है तू, मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू, तेरा मुरीद, तेरा इश्क है जहनसी, 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 जहनसी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं नूरा हूँ, मैडम की खास मुलाजिम. आई तुम यही रुको, मैं मैडम को बता के आती हूँ.
मैडम बुला रही है। इस्लाम, ये समीर बिना नाम क्या है जी? गौर रशीद। तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रही हूं। जी मेरा ही नाम है। इधर आओ जरा। काम का कोई तजुर्बा है पहले से? जी नहीं, तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप किसी भी किस्म। बस बस, शुरू शुरू में सब यही कहती हैं। वो कमबख्त कैथरीन भी यही तो कहती थी, मतलब निकल गया तो चलती बनी। समीर को कैसे जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती उन्हें। दरअसल मेरी बहन उनके ऑफिस में जॉब करती थी, उन्होंने अभी भी रिजाइन किया, तो उनकी जगह मैं। वॉट एवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ले जाओ इसको, काम वाम बताओ जरा। अरे ले भी जाओ। जी आए। दरवाजा बंद करके जाओ। जी आ जाते हैं कहीं से उठ के, पता नहीं समीर किस किस को उठा के ले आता है। मैं ये पूछती हूं कि तुमने उसे नौकरी करने की इजाजत ही क्यों दी? लड़की एक बार घर से बाहर कदम निकाल ले ना, तो समझो हाथ से निकल गई। खुद मुख्तार हो गई ना, तो तुझे घास भी नहीं डालनी उसने। अरे अम्मा, तू नहीं समझती बात को। देख, ये सारे जो लाड नखरे हैं ना, बस शादी तक की बातें हैं। अरे उसके बाद एक दफा घर आ गई, बाहर जाना बंद। अम्मा एक काम तो करना, मामू से बात करो, उसे मजबूर करना। अम्मा से कहेगी 3-4 साल का चक्कर छोड़ दे, गौहर को 3-4 महीनों में रुखसत कर दे हमारे साथ। हाँ बेटा, सोच तो मैं भी यही रही हूं। अब देखना, ये घर के सारे काम काज जो है ना, ये भाई मुझसे नहीं होते, मैं तो थक जाती हूँ। अब वो तेरा कंजूस बाप है ना, कोई नौकरानी टिकने नहीं देता घर में, सबको भगा देता है फट करके। अम्मा तू फिक्र क्यों कर रही है? तुझे क्या लगता है क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? तेरी बहू आ रही है ना, बस तेरी खिदमत करने के लिए तो आ रही है। हाँ बस रहने दे, कर ही ना दे मेरी खिदमत वो, उल्टी मुझे उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। खिदमत करेगी आकर। क्या मतलब है अम्मा? वो आएगी ना तेरे लिए, मैं तेरे लिए तो कर रहा हूं।
अरे खाना पकाएगी, आज करेगी ना, माफी क्यों कर रहे हैं? बस बेटा ये चिकनी चुपड़ी बातें ना ना किया कर मुझसे, मैं सब समझती हूँ तेरी इन सब बातों। अरे मामू से तो बात करना, बस छोड़ देना, कर दूंगी ना जब मौका मिलेगा, मैं कर दूंगी। नहीं करेगी बात, परेशान होता है, नहीं करेगी ना, नहीं करना बात। तू ना कुछ कर, मामू ना कुछ कर, बस मुझे नहीं करनी शादी वादी, करना है जो कर ले फिर, मैं सही हूँ घर पे। ये सारे नखरे हैं बस, जैसे मैं नहीं जानती इसे। अरे कर दूंगी ना, क्या हुआ है, कहा ना कर दूंगी, क्यों फिक्र करता है तू? अच्छा ये टैबलेट्स मैंने अलग कर दिए हैं, इनका चार्ट बना दिए हैं, तो आप इसके हिसाब से उनको दीजिएगा। मैं सोच रही हूँ कि सेटिंग भी थोड़ी चेंज कर लूँ, मुझे पता नहीं क्यों कुछ घुटा घुटा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा गजब भी मत कीजिएगा, समीर साहब ने खुद सेटिंग कराई है कमरे की, बल्कि पूरे घर की, अगर एक तिनका भी इधर से उधर हुआ ना तो तूफान आ जाएगा। नहीं मैं तो बस अब साहब आ गए, अच्छा तो टैबलेट्स के अलावा हम फूल भी चेंज। आहिस्ता साहब आ गए हैं, क्या हुआ? साहब को शोर शराबा पसंद नहीं है, उनका एक खास रूटीन है, वो शाम होने से पहले घर आ जाते हैं, फिर 5 मिनट के लिए मैडम के कमरे में जाते हैं, उनके मेडिसिन का चार्ट देखते हैं, 2 घड़ी बात करते हैं, फिर ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन किसी भी नौकर को इजाजत नहीं है ना उनकी मजाल कि सुबह से पहले उनके दरवाजे पे दस्तक दे, खाना भी बड़ा शेफ ट्रॉली में ले जाके उनके दरवाजे के बाहर रख देता है, अगर उनका दिल चाहता है तो खा लेते, नहीं तो ट्रॉली यूं ही क्यों सुबह वापस आ जाती है। मैडम कुछ कहती नहीं है? मैडम क्या कहेंगी, मैडम सर की सुतेली माँ है, समीर साहब की अम्मी का इंतकाल तो समीर साहब के बचपन में हो गया था। मैडम आपकी गाड़ी आ गई है आपको घर तक ड्रॉप करने के लिए। तुम गए नहीं अभी तक? दवा नहीं लिया अपने वक्त पर, क्यों जिद करती हैं? पक पर लिया करें दवा। तुम्हें क्या फिक्र, मरूं या जीऊं? और ये नई लड़की किस लिए रखी है तुमने? वो हरामखोर कैथरीन कहां गई? सेंड हर अ नोटिस। कैथरीन से बेहतर गवर्नेंस मैंने अपॉइंट कर लिया आपके लिए, डोंट वरी। ऐसी क्या खास बात है उसमें? मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। ख्याल कर लेगी आपका, शी इज गुड। अगर आप उसे जिंदा रहने दें तो। शाखराम, शाखराम कहां मर गई हो? ले जाओ इसे, बंद कर दो तहखाने में। चलोगे मेरे साथ?
सलाम अलैकुम। गोगो कितनी देर लगा दी तूने पहले दिन ही आने में, कब से बुशरा आई बैठी है, अब तो कामरान आने वाला होगा उसे लेने के लिए। आप भी आइए, जल्दी कौन जाने देगा। अम्मी चाय बना दे यार प्लीज, थकी भी हूँ। अच्छा अच्छा। अब्बा ले ले आज की वसूली। कमाल कर दिया भाई। होए होए खुशबू आ रही है। अब्बा क्या बेटे में भरोसा नहीं है क्या? बेटा एक बात भूल रहा है तू, रुपए पैसे के मामले में मैंने कभी अपने बाप का भरोसा नहीं किया, तो फिर भी बेटा है। बस अब्बा तू ना अपनी तिजोरी भरते रहना, बेटी की फिक्र ना करना, समझे? अरे यार अभी तक तुम घर नहीं गए, ओवर टाइम कर रहे हो क्या? जा ही रहा था कि मैडम दुनिया ने कुछ एंट्रीज करने को कह दिया। अरे मैडम तो कब की घर जा चुकी हैं, तुम भी काम करो घर चले जाओ। इन बड़े लोगों की तो आदत होती है हम गरीबों को रात रात तक जगाने की, अगर ये तुम सारा काम खत्म भी कर लोगे ना तो कल इससे ज़्यादा काम तुम्हारी डेस्क पर होगा। मेरी बात मानो, तुम भी रफू चक्कर हो जाओ। अच्छी एडवाइस है, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। सी यू, कल मिलते हैं। अब्बा तू ना पक्का सौदागर है, अरे हो जाएगी ना तेरी कर्जे की अदायगी। अरे बेटा तेरा करोड़ों की लड़की लेकर आ रहा है, तुझे लाखों में की पड़ी हुई है। देख थोड़े दिन के लिए चुप रहे, कोई भंड ना मारियो मेरी शादी से पहले। अरे बात तो सुन, वो मुन्ने बात तो सुन, जा कर रहे मुन्ना मानता नहीं यार। क्या ये क्या किया तुमने? तो बहुत गलत फैसला किया तुमने, दफ्तर की हद तक तो ठीक था लेकिन और क्या करती, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था यार। बंदा हमसे दफ्तर में बर्दाश्त नहीं होता था, हालांकि हमारा आमना सामना उससे सिर्फ रिसेप्शन पे ही होता है सुबह के वक्त, तुम उसके घर ही पहुंच गई। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि वो कितना नफसियाती है। आप ही परेशान ना हो, वैसे भी मुझे सुबह जाना है शाम को वापस आ जाना है। हाँ लेकिन आज उनकी अम्मी से मिली थी, बड़ी अजीब खातून है वो। क्या मतलब? पता नहीं बड़ी घूर घूर के देख रही थी मुझे, कुछ मर्दम बेजार सी खातून मालूम होती हैं। देखो मुझे तो लगता है तुम्हें ये किस्सा खत्म कर देना चाहिए, तुम्हें उनके घर में जॉब नहीं करनी चाहिए। अच्छा वही जो इतना कर्ज चढ़ा हुआ है अब्बा पे, वो कौन उतारेगा? गौहर बुशरा कहाँ हो तुम दोनों? आ रहे हैं। चाहिए सारा दिन काम के चक्करों में लगे रहते हैं, पता नहीं कुछ खाते पीते हो भी या नहीं। हमारी फिक्र करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा ना। हमारी इतनी भी क्या फिक्र? ये लो दूध पी लो और आराम से सो जाओ, ठीक है? क्या इनाम मिलेगा मुझे? आप जो कहो भाभी, एक जबरदस्त सा सूट दिला दूंगा, वो भी जापानी वाला।
ये बताओ भाभी मेरा काम हुआ या नहीं? बड़ी मुश्किल से नंबर दिया उसने। हाँ कह रही थी दफ्तर का नंबर है। कोई दूसरा बात नहीं कर सकता इस पे? मैं भी लड़ गई। मैंने कहा क्यों, घर में अगर कोई इमरजेंसी होगी तो तुम्हें घर वाले भी फोन नहीं कर सकते क्या? ये हुई ना बात भाभी, मैं ना पेन पेपर लेकर आता हूँ, मुझे नंबर दे दो। वैसे उसने अपना पुराना नंबर ऑफ क्यों किया था, ऑन रखती? तुम्हें तो पता है ना सलीम कैसी शेर की नजर रखते हैं अपनी बहनों पे। उन्हें तो बुशरा का फोन मेरा बहुत खटकता था। कहते हैं कि निकाह से पहले मुझे ये हराफात बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब तुम ही बताओ सलीम की गैरत को कैसे बर्दाश्त होता है ये सब? हाँ बस यही है बातें सलीम भाई की, जिनकी वजह से मैं बहुत मानता हूँ उनको भाभी। हाँ बहुत ही गैरतमंद शौहर है तुम्हारा, वाह। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जल्दी से जल्दी नंबर लिखो। हाँ नंबर दे दे, मैं फोन पे ही लिख। एक सेकंड जरा। हाँ भाभी होल्ड कीजिएगा। हाँ बताए भाभी। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। हुए यार दुश्मन। प्राइस टैग भी देखो, हमारी सात नस्लों की पहुंच से दूर है ये। इसीलिए कहते हैं अगर शक्ल अच्छी अच्छी हो ना तो बात भी अच्छी कर लिया करते हैं। अच्छा आप बताइए मुझे क्या अच्छी बात करनी चाहिए, बताइए। यही कि देख मैं गौहर एक नए दिन मैं तुम्हें सेट दिलाऊंगा। अच्छा गौहर मेरी जान। जी सरताज। एक दिन मैं तुम्हें ये सेट खरीद कर नहीं दे सकता। चलें। कम से कम दिल रखने के लिए बोल देते, इंसान झूठ ही बोल देता है। अच्छा बात तो सुनो, सब बात तो सुन लो। तुम्हारी खुशी के लिए तो जान भी हाजिर है मेरी, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। मैं औकात का पता ना हूं। लेकिन हाँ तुम देखना, एक दिन में ये सेट खरीदूंगी तुम्हें दूंगी और बोलूंगी चलो अब अपने हाथ से पहना दो। इंशाल्लाह। क्या रहे? अरे हाँ आप कह रहे लेकिन तुमसे कम। तेरा इश्क है जहे नसीब, मेरा हिज्र जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब। मैं तबाह हुआ मैं फना हुआ, मेरा रोम जल के सुआ हुआ, तड़प मेरी कुछ और शादी, तड़प तेरा इश्क है जहन नसीब, जहन नसीब, जहन नसीब। मुझे जोग दे मुझे रोग दे, मुझे जोग दे मुझे रोग दे, ये खुशी पकड़ मुझे सोग दे। मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद, तेरा इश्क है। तो
नहीं कैसे बाबा आदम के जमाने की अलार्म क्लॉक रखी है। ऐसी अलार्म क्लॉक को तो तोड़ ही देना चाहिए। मेरी जहेज की सारी चीजें अम्मी ने यही सजा दी हैं। अरे फिर से देर हो गई, क्या करूं? किसका फोन आ गया? ओह गॉड। हाय दिस इज गौहर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। बड़ा ट्राई करता रहा कल रात को, तू उठा नहीं रही थी फोन। कौन? जहांगीर बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुन्ना। अब आवाज भी नहीं पहचानती हैं? अरे इतने भी बेरुखी क्या जाने मन। ओ जहांगीर भाई। कैसे फोन किया? मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने वाले खुदा भी ढूंढ लेते। और कितनी बार कहा गो मुझे भाई ना का। वो क्या है ना, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, बाद में फोन करूं। सुनो, मैंने तुम्हें नौकरी की इजाजत इसलिए नहीं दी कि तुम इतनी मसरूफ हो जाओ कि तुम मुझे भूल जाओ। अरे अभी मामू ममानी को कॉल करके ना ये नौकरियां शौकरियां खत्म करवा दूं, क्या समझी? जी जी समझ गई। अब बताइए कैसे फोन किया? तुम्हारी याद आ रही थी, कॉल कर ली। अरे सुनो गोगो, तुम उस पर हो क्या, वो फेसबुक पर? अरे अपनी आईडी तो दो मुझे। हैं? हम दोनों ना उसी पे चैट किया करेंगे जब तुम दफ्तर में हो। जी? अरे बहुत ढूंढने की कोशिश की, तुम्हारे चक्कर में आधी दर्जन गौहर भी ऐड कर लिए, सारे लड़के निकले। और सुनो अपनी एक अच्छी सी तस्वीर अपलोड तो कर दो मेरे लिए, खास तौर पे वो वाली नहीं है तुम्हारी, वो क्या है वो ब्लैक ड्रेस वाली, बड़ी ठाए लगती हूँ सिया कपड़ों में कसम से। वो क्या है ना कि मैं फेसबुक यूज ही नहीं करती हूँ। मैं आपको बाद में फोन करूँ? हाँ अभी क्या है, बार बार हॉर्न बज रहा है, गाड़ी आ गई है। ठीक है ठीक है, एक शर्त पर है गोगो, रात में ना हम दोनों बात करेंगे। बात ये कि जब भी जरूरी बात करनी हो ना फोन काट देती, इतना तो ना तड़पाओ गो गो डार्लिंग। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। चाय? दफ्तर से तुम्हारी गाड़ी आ गई है। अम्मा ये ले लो सब्जी, टमाटर नहीं मिले बाकी ले आए हूं। सुनो गौहर जी, ये दफ्तर वाले स्टाफ के हर मेंबर के लिए इतनी कीमती गाड़ी भेजते हैं। पता नहीं भाई, वो शायद स्टाफ की गाड़ी यही है। अच्छा, बुशरा को तो बड़ी आम सी वैगन लेने आती थी। खैर तुम जाओ, काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। जी मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़ अब्बा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं भी निकलता हूँ अब्बा। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है जहर नसीब। जहे नसी जहे नसी जहे नसी जहे नसी जहे नसी। मुझे जोग दे मुझे रोग दे, मुझे जोग दे मुझे रोग दे, ये खुशी पकड़ मुझे सोग दे। मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद।
परेशान हो? इस जगह से डर गए? इस तहखाने से? बाहर की दुनिया देखी है? इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। तरह तरह के खौफनाक से जानवर होते, ऐसे नहीं असली वाले। फिर से डर गए? कैसे करोगे मुकाबला उन जानवरों से? मुकाबला करने के लिए तुम्हें उनसे भी बड़ा जानवर बनना है, समझे? तेरा इश्क है।